हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज मैं आपको रिवालसर के टूर के लिए लेके आई हूँ। और ये देखिए, मेरे पीछे रिवालसर की झील है। मैं आपको इधर के सारे व्यूज़ भी दिखाऊंगी कि कैसे 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 टेंपल हैं इधर और क्या क्या जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। और साथ में हमारे रास्ते में जो जो व्यू मैंने कैप्चर किए थे वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारे रिवालसर की सैर के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा रिवालसर का टूर स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कुछ व्यूज़ कैप्चर किए थे, साथ में मैं आपको बताती हूँ कि रिवालसर की हिस्ट्री क्या है। तो रिवालसर की जो झील है उसको सो पेमा लोटस झील के नाम से भी जाना जाता है, सो पेमा लोटस झील। और ये अराउंड मंडी से 23 किलोमीटर दूर है और ये एक पहाड़ी पे स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1360 मीटर की है। ये बहुत ही ग्रीनरी वाला प्लेस है, इसलिए इसको सब टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए जरूर आते हैं। तो इसके नदी के पीछे और वहाँ मतलब तीन धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं, बौद्धिस्ट, हिंदू और सिख, तीनों धर्मों के गुरु वहाँ आए थे। तो इसलिए ये मंदिर, ये जो जगह है रिवालसर, तो ये बहुत ही मतलब धार्मिक प्लेस है। तो जो इतिहास से हमें पता लगता है, तो उसमें बताया था कि मंडी के जो राजा थे उनकी बेटी को गुरु पद्म संभव को उनकी बेटी के लिए गुरु पद्म संभव को बुलाया था ताकि वो उनको थोड़ी शिक्षा दे सके। तो जब वो शिक्षा दे रहे थे तो किसी ने राजा के कान भर दिए कि जो गुरु पद्म संभव है वो आपकी बेटी को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो राजा को वो सुनने के बाद राजा ने क्या किया कि उसको गुरु पद्म संभव को मारने की कोशिश की। और जब उनको मारने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी एक बहुत बड़ी समाधि बनाई और चिता बनाई और उस चिता में आग लगा दी और वो चिता 7 दिन तक जलती रही। और जब वो चिता 7 दिन तक जलती रही उसके बाद बोलते हैं कि गुरु पद्म संभव जो है वो एक लोटस के फूल के अंदर बैठ के बाहर आ गए और जो वहाँ पे राख थी उस चिता की उससे वो नदी बन गई। तो ये तो थी कि बौद्ध धर्म में इस झील की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसी के करके वहाँ पे गुरु पद्म संभव की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बनाई है, कमल के फूल के ऊपर ही वो बनाई है। और रिवालसर में आप कहीं भी जाओ वो मूर्ति सब जगह से दिखाई देती है। मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी उसमें कि कहाँ जैसे है वो। और सिख धर्म में बोलते हैं कि जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे वो 1 महीने के लिए इस जगह पे आए थे। तो इस कारण वो जब ये 1 महीने तक जो जहाँ पे गुरुद्वारा बना है वहाँ पे रुके थे, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक उनकी जो चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये देखिए, मैंने रास्ते में कुछ व्यूज़ कैप्चर किए थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर जगह है और इसको तमलेड के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पे एक पानी सामने जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पे पानी हमेशा ही, किसी भी सीज़न में आप जाओ इस जगह से पानी हमेशा निकलता रहता है और यहाँ का पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये रास्ते में कुछ व्यूज़ थे जो मैंने आपको दिखाया और रास्ते की कुछ जगह है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं कि हिंदू धर्म में इसको रिवालसर को ऐसा मतलब क्यों फेमस मानते हैं। तो उससे पहले ये देखिए, ये है कलखर और कलखर से ये स्ट्रेट रोड जाता है मंडी की तरफ और अपने ये लेफ्ट टर्न ले लिया है तो ये जाता है रिवालसर की तरफ के लिए। तो हिंदू धर्म में बोलते हैं कि ये महर्षि लोमश जो थे उनकी तपोभूमि है। तो बोलते हैं कि जो महर्षि लोमश जी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत तपस्या की थी, तो उसके उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पे शिव भगवान जी और पार्वती जी आए थे। और आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि उनका एक मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया है
और बोलते हैं कि जब शिव जी और पार्वती जी यहाँ आए थे उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, तो उसके साथ में सब देवी देवता भी ऋषि लोमस से प्रसन्न हो गए थे और वो भी यहाँ पे आए थे और उन सब ने बोला कि हम लोग यहीं पे निवास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हर एक देवी देवता का मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और रिवालसर झील के अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे सात टापू हैं, मतलब सात सर के नाम से वहाँ पे एक जगह है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर जो घास उगी हुई है वो सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। और इस झील की एक बात ये भी है कि इसमें से शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग जो है वो खुद ही निकल के बाहर आए हैं, तो वो भी वहीं पर मतलब झील के आस पास में लगाए हुए हैं। तो ये देखिए अब हम थोड़े रिवालसर के बिल्कुल पास में पहुंच ही गए हैं, ये देखिए। और ये रिवालसर का मेन मार्केट है, ये जो है ये मेन मार्केट है वहां का। ये देखिए, हम एक्चुअली लॉकडाउन में गए थे तो इतना मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ हर एक चीज़ को, जैसे कि मतलब मंदिर के अंदर जाके या फिर गुरुद्वारे के अंदर जाके, तो वैसे मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए रिवालसर के अंदर एंटर हो गई है और साइड में जो आपको रेलिंग दिखाई दे रही है, इस रेलिंग में के अंदर वाली साइड में झील है और लोग इसकी प्रक्रिमा करते हैं। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो दिन में 7-8 प्रक्रिमा इसकी पूरी करते हैं कंटिन्यू। तो ये देखिए, ये यहाँ का गुरुद्वारा साहिब है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे एक महीने के लिए यहाँ पे रुके थे। ये देखिए, ये हम यहाँ का जो है वो चिड़ियाघर है, ये भी बहुत अच्छी जगह है चिड़ियाघर जो है। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पे भालू है और बतख है, बारहसिंगा है, हिरन है, नील गाय है और सैल है, और हाँ ये यहाँ पे पूरे टोटल जितने भी हैं वो जानवर हैं। बट हमें लॉकडाउन की वजह से अंदर एंटर होने नहीं दिया था, तो इसको आजकल जू को बंद कर दिया है। और यहाँ की जो जानवर थे जैसे बतख वगैरह, उनको सारा झील के साइड में ही वहीं पे छोड़ दिया है। तो ये देखिए, पूरा जंगल के अंदर ही मतलब ये जू है और ये जंगल पूरा खुला हुआ है। और ये जो ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बौद्ध धर्म की जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये उनका स्कूल है ये सारा। ये देखिए, ये बौद्ध धर्म के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी गई है। और यहाँ से आपको गुरु पद्मसंभव जी की मूर्ति भी दिखाई देगी, और वो मूर्ति ऐसे कि आप कहीं से भी देख लो वो सब जगह से दिखाई ही देती है। तो ये देखिए, ये हम अब जो लेक है उसके साइड में जा रहे थे, ये यहाँ पे बड़ा सा गार्डन है जहाँ पे लोग आराम कर रहे थे। और ये देखिए सामने लेक दिखाई दे रही है, ये बहुत ही सुंदर जगह है, बीच में लेक है और ये चौकोर टाइप की है और आसपास में थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, यहाँ का जो फेमस चीज़ है वो है यहाँ की मछलियाँ। ये पूरा तालाब बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियों से और डिफरेंट डिफरेंट कलर की मछलियों से भरा हुआ है। पहले यहाँ पे जो लोग थे वो इनको मतलब कुछ डालते थे, जैसे आटा बिस्किट सब कुछ डालते थे। बट ज़्यादा जैसे यहाँ पे सीसु का एक मेला है वो बहुत फेमस है, उस टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और सब लोग जब डाल इस झील के अंदर मछलियों के लिए चारा डालते थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनकी झील के अंदर चारा बहुत ज़्यादा हो गया और मछलियाँ उसको कंज्यूम नहीं कर पाई और उसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गई मछलियों को और बहुत सारी संख्या में यहाँ पे मछलियाँ मर गई थी। इसलिए तब से यहाँ पे बिल्कुल बैन है, कोई भी यहाँ पे मछलियों को कुछ भी नहीं दे सकता, जो भी देता है उसको 500 रुपीज़ का जुर्माना इधर रखा गया है। ये सामने आपको बतख दिखाई दे रही है वो देखिए, और ये देखिए मछलियाँ, ये बहुत ही सुंदर इधर मतलब इनका ही एक जो मछलियों को देखने का जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए,
ये देखिए बच्चे और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि इतनी सारी फिश उन्होंने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। ये देखिए अब आप बच्चों को देखिए किस तरह से वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो रिवालसर की झील है यहाँ पर हमेशा मिट्टी के टीले तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये जो आपको घास दिख रही है इसको बोलते हैं सरकंडो वाली ऊंची घास है ये, तो ये हमेशा इस झील के अंदर तैरती रहती है। मतलब ये एक साइड से जाके दूसरे छोर तक ये बिल्कुल तैरती हुई जाती है। तो बोलते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि ये जो टीलों को तैरने की ये जो प्रक्रिया है ये इसकी वजह से ही इस झील को पवित्र माना जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से चाहे कुछ भी हो परंतु बोलते हैं कि जो ये टीले चलते हैं उनको वो एक दैविक चमत्कार होता है और ये लीला जो है जो इन सरकंडों की घूमने की है वो सिर्फ पुण्य कर्म करने वालों को ही दिखाई देती है। तो ये देखिए यहाँ का हवन कुंड है, जब सिसु का मेला वैसाखी का मेला जब होता है यहाँ पे तो उस टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हवन होता है और बाकी टाइम पे इसको लॉक करके रखते हैं। तो ये एक कॉर्नर से अभी ये जो टीले थे वो इस कॉर्नर पे हैं और कुछ समय बाद ये दूसरे छोर पे जाके आपको दिखाई देंगे। तो ये खुद ही इस झील के अंदर तैरते रहते हैं और इस झील की डेप्थ कितनी है इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा मतलब किसी ने नहीं बताया है। और ये देखिए ये गुरु पद्म संभव जी की मूर्ति है जो सब जगह से रिवालसर में आप कहीं भी चले जाए तो वहाँ से ये दिखाई देती है। ये नीचे कमल का फूल है और ऊपर ये मूर्ति है। ये जो नदी है इसको प्राचीन टाइम में हृदयलेश भी बोलते थे। हृदयलेश का मतलब होता है झीलों का राजा, तो इस नदी को हृदयलेश के नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चे थे जो यहाँ पे इस झील के अंदर ही नहा रहे थे, यहाँ पे डाइविंग कर रहे थे और स्विमिंग कर रहे थे। तो अब ये सारे व्यूज़ देखने के बाद अब चलते हैं यहाँ के धार्मिक जो हिंदू धर्म के धार्मिक प्लेस हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले ये शिवलिंग है जो ये बोलते हैं कि इस नदी से ही प्रकट हुई है और भगवान शिव और पार्वती ने जब लोमश ऋषि को दर्शन दिए थे तो उस टाइम से ये शिवलिंग यहाँ पे उपस्थित है। और इसके साइड में छोटी छोटी शिवलिंग्स जो आपको दिख रही है बोलते हैं वो इस नदी से ही निकल के बाहर आई है। पहले ये पानी इतना नहीं भरा होता था पर बरसात का टाइम है तो ये पूरा मतलब इस जो सीमेंटेड प्लेस है यहाँ पे भी आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पूजा जो शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करके और बेलपत्री और फूल हमने अर्पण करके उसके बाद में फिर
यहाँ पे जो मछलियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू पूरी झील झील को देखें अगर तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ थी इस जगह के अंदर। और इसी साइड में जो आपको एक वॉल नज़र आ रही है, इसके साइड में ये सारे जो छोटे छोटे रूम्स बने हैं जहाँ पे जो लोग नहाने के लिए आते हैं यहाँ पे, जैसे क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, पवित्र झील है, तो सब लोगों को नहाने के लिए जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ थी, ये देखिए मैंने कुछ कैप्चर की है इधर। वालसर को पंचपुरी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे पांच जो हमारे देवी देवता हैं वो निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु गणपति सूर्य एवं शिव और पार्वती जो है वो यहाँ पे वास करते हैं। ये सब ऋषि लोमश की तपस्या से प्रसन्न होके यहाँ पे आए थे और बोलते हैं कि यहीं पे मतलब ये जो टीले जो सरकंडे इधर से उधर घूमते हैं उनमें बस गए थे और यहाँ पे इनके मंदिर भी उस वजह से बनाए हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबके मंदिर यहाँ पे बनाए हैं और ऋषि लोमश का भी एक मंदिर इस जगह पे बनाया गया है, जो आगे मैं अब आपको दिखाऊंगी। यहाँ के जितने भी टेंपल्स हैं वो सब मैं अब आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक बंदर था, बंदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और यहाँ पे कुछ जो थे गेहूँ यहाँ पे पड़ा था जिसको ये खा रहा था। तो ये देखिए अब यहाँ से मैं आपको मंदिर और जो हॉल स्थल है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ के स्नान घाट है, ये महिलाओं का है और ये पुरुषों का है। इसके अंदर जो है वो एक इसके अंदर भी एक शिवलिंग है। तो अब ये देखिए ये ऋषि लोमश का मंदिर है, ये देखिए ये ऋषि लोमश का मंदिर है। बट सब मंदिरों में लॉकडाउन की वजह से ताले लगे थे, बट स्टिल मैंने जो मूर्तियाँ थी वो कैप्चर की है। ये देखिए ये गणपति जी का मंदिर है, जो फर्स्ट मंदिर था वो गणपति जी का है और हवन कुंड इसके अंदर ही बनाया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ा दिया देसी घी का जलाया था जो दो मंदिरों के बीच में था। और ये देखिए ये हनुमान जी की एक मूर्ति थी यहाँ पे, ये देखिए। और ये यहाँ पे आके शनिदेव जी की थी एक मूर्ति। ये झील के बिल्कुल साइड में है ये मंदिर और ये ऋषि लोमश जी का मंदिर है, जो बाबा लोमश ऋषि के उनका मंदिर है, ये भी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये है ऋषि लोमश जी जिन्होंने इस तपोभूमि पे आके तपस्या की थी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही सारे देवी देवता यहाँ पे आते हैं। तो ये शिव और पार्वती का एक मंदिर है। उसके बाद ये आगे जो है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये देखिए ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो बोलते हैं कि जितने भी ये पांच देवी देवता थे अभी तक यहीं पे वास करते हैं। ये शिव और पार्वती का बहुत ही पुराना मंदिर है जिसके बाहर नंदी बैल है, ये देखिए ये बहुत बड़ा नंदी बैल है यहाँ पे इस मंदिर के बाहर और कार्तिकेय के पूंछ के पास ये खड़े हुए हैं। ये देखिए ये नंदी बैल जी हैं और ये मंदिर बहुत पुराना है, अंदर से पूरा पत्थर से बना है, इसकी सीढ़ियाँ और ये मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है, इसमें कोई ईंट का उपयोग नहीं हुआ है। और अंदर से ये मंदिर बहुत ही ठंडा होता है जब भी जाते हैं। ये पुराना स्तंभ है जो प्राचीन टाइम से यहाँ पे है, ये देखिए। और अब मैं आपको अंदर से मंदिर को दिखाती हूँ कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। ये देखिए ये शिव जी की शिवलिंग है अंदर जाके यहाँ पे। और ये देखिए ये पूरा मंदिर का बन ये पूरा का पूरा मंदिर पत्थर का बना हुआ है।
ये स्तंभ सब कुछ पत्थर के हैं। बच्चे को आ रही है। तो ये देखिए, अब रिवाल्सर घूमने के बाद हम जा रहे हैं अब वापस घर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड में जो कपड़े इधर लगाए हैं, इन सब के ऊपर जो है वो बौद्ध धर्म के जो मंत्र हैं वो लिखे होते हैं। ये देखिए, ये कुछ पवित्र शब्द या पवित्र मंत्र उनके लिखे होते हैं। बोलते हैं कि इनकी हवा से जो है वो कोई भी बुरी शक्ति पास में नहीं आती है। तो पूरे रिवाल्सर और नैना देवी में ये लगे हुए हैं। तो ये था हमारा रिवाल्सर का पूरा टूर। तो आपको मेरी ये वीडियो, आज जो रिवाल्सर का टूर था, वो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से जितना भी मेरे को हिस्ट्री मालूम थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।